नमस्कार। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कल हमने प्रॉफिट अच्छा किया। निफ्टी की एक्सपायरी और भी अच्छा नेले पे देला। कल 11,875 का प्रॉफिट हुआ था, आज 18,400 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। वही सेम स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको कल भी बताई थी। चलिए फिर से आपको इस वीडियो में बताता हूँ कल कहाँ पे मैं आज कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, किस तरह से प्रॉफिट कमाया। पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, प्रॉफिट आपके सामने है 18,487। ये प्योर इंट्राडे प्रॉफिट है। चलिए ऑर्डर बुक में ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने दो ही ट्रेड किए थे एंड आई शो यू व्हाट ऑर्डर्स आई हैव पंच्ड। ओके ओके गाइस 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 गाइस, बिफोर आई शो यू माय ऑर्डर, सी दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट माय चैनल। मतलब मैं प्रॉफिट और लॉस को डेली दिखाता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे पीएनएल में ऑर्डर बुक, ऑर्डर पंचिंग टाइम, उस ऑर्डर पंचिंग टाइम का चार्ट सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ। और आज हमने किस तरह से ये प्रॉफिट कमाया उसका भी वीडियो, उसका पूरा एनालिसिस, कब मैंने वेट किया, कब ट्रेड लिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आज ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 18,400 का, ये मेरे को ट्रैवलिंग करते करते हुआ है। कैन यू बिलीव इट, आई वाज ड्राइविंग, आई वाज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजकोट जा रहे थे। आई वाज ऑफ कोर्स यू नो ऑब्जर्विंग द चार्ट, ड्राइव मैं खुद ही कर रहा था, बट ठीक है, मोबाइल में से सामने पड़ा था। वेटेड वेटेड, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे मिली जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कार साइड में पार्क कर दिया, ट्रेड लगाया एंड गिव अस 18,487 रुपीज। सो गाइज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप इसमें सीख जाओ, इट इज रियली ऑसम। आप इस बात से पावरफुल हुए कि यार, एक बंदा अहमदाबाद टू राजकोट फंक्शन के लिए ट्रैवल कर रहा था, खुद ड्राइव कर रहा था, एंड यू नो वी गॉट दिस प्रॉफिट। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको अच्छी बात लगी, टाइप सुपर ऑसम इन द कमेंट बॉक्स। स्टॉक मार्केट इज रियली दैट सुपर ऑसम। पोज द वीडियो, टाइप सुपर ऑसम इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी टेक यू टू द टेक यू फॉरवर्ड टू द ऑर्डर बुक। तो देखिए, पहला ऑर्डर मैंने लिया 11:35 को। ये बात मैं बार बार आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि मार्केट में जरूरी नहीं है 9:15 को ट्रेड लेना, 9:20 को ट्रेड लेना, 11:30 को। मतलब पीपल आर लाइक यू नो पैनिकिंग, क्या अमित भाई एक्सपायरी है, 10 बज गए, अब तो प्रीमियम नहीं रहेंगे, मैं कब ट्रेड लूंगा। गाइस, पहला ट्रेड 11:35 को बना है और प्रॉफिट आपके सामने है, राइट? सो पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप इस बात से एग्री करते हो, प्लीज टाइप डिसिप्लिन इन द कमेंट बॉक्स। कम ऑन यार, एक बार तो डिसिप्लिन टाइप कर दो। यू नेवर नीड टू पैनिक, यू नेवर नीड टू रश, वेट फॉर योर लेवल, वेट फॉर योर स्ट्रैटेजी। और आपको आपका पैसा 11:35 पे ऑर्डर लगा के नहीं, 2:35 पे ऑर्डर लगाओगे ना, तो भी आपको आपका पैसा मिल सकता है। आई वॉन्ट यू टू टाइप डिसिप्लिन इन द कमेंट बॉक्स अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो। चलिए ऑर्डर बुक के अंदर ले जाते हैं। तो मैंने 22,300 का पुट बाय किया। ऑफ कोर्स पुट बाय करके मैंने कोई बेयर इशू बनाया नहीं था। मेरा जो ओरिजिनल लेग था वो था 22,350 का पुट सेल करना। इफेक्टिवली हमने यहाँ पे एक बुलिश इशू बनाया कि अगर मार्केट 22,350 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज आएगा, देन आई विल बी इन अ मैक्स प्रॉफिट पोजिशन। आप जैसे देख सकते हो, निफ्टी 21,514 के ऊपर क्लोज आया है। पहले आपको यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में ये दिखाना चाहता हूँ कि 11:35 को ऐसा तो क्या हुआ जो मैंने बुलिश ट्रेड लिया। तो देखिए, यहाँ पे आज मार्केट देयर वाज अ ह्यूज गैप अप, फिर यहाँ पे गिरने लगा, और ये हमारा क्रूशियल लेवल 22,527। जब ये कैंडल, तो भी चार्ट को देख रहा था मैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, बट यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना नहीं था। उसके दो रीजन थे, देखना, डिसिप्लिन अभी समझा रहा हूँ, डिसिप्लिन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, यू विल लव इट। यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, दो रीजन से नहीं लिया। नंबर वन, गैप अप के बाद बेरिश ट्रेड इतना इजीली मुझे लेना नहीं था, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज मार्केट वॉज गैप अप, और गैप अप अबव हाई, क्लोज के ऊपर गैप अप हो और हाई के ऊपर गैप अप हो, दोनों अलग बात है। तो मैंने मेरे बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल को इसने ब्रेक किया, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। रीजन नंबर वन, गैप अप डे था, आई डेंट वॉन्ट टू गो फॉर द बेरिश ट्रेड सो अर्ली। रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पर मैं ट्रेड लेता तो मेरे को यह समझना चाहिए था कि मार्केट ऑलरेडी अपने हाई से यहां से 100 पॉइंट्स गिर चुका था। अब यार, अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स गिर चुका है, उसके बाद में बेरिश ट्रेड क्यों बनाऊं अगर मेरे को बेरिश ट्रेड बनाना है? हाँ, अगर यहाँ पे नजदीक पे जाता, कुछ रिजेक्शन मिलता तो मैं जरूर लेता, और मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिया भी, वो मेरा दूसरा है, वो बता रहा हूँ। मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मैंने देखा मेरा लेवल टूट गया, उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स जा रही है, आई वेटेड पेशेंटली, नहीं
नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में इतना पेशेंट है, आप देख रहे हो मार्केट में आपका एक इम्पोर्ट लेवल टूट चुका है, बड़ी बड़ी कैंडल्स हो रही है। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इतना नीचे ट्रेड लेते हैं, इधर ट्रेड लेते हैं, इधर ट्रेड लेते हैं, एंड यू नो देन दे फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड। सो यहां से मार्केट ने रिवर्स से शुरू किया, और ये एक एक ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लेवल है जहां से मार्केट ने आज रिवर्स से स्टार्ट किया, ये लेवल मैंने मेरे कल के वीडियो में ऑलरेडी बताया था। ऐसा नहीं कि ये लेवल मैंने आज बनाया है, आप मेरा कल का यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए निफ्टी एनालिसिस का, ये 22,300 का लेवल कल का मैंने ड्रॉ किया है, और सी द पावर ऑफ आवर लेवल्स, एग्जैक्टली वही पॉइंट को टच करके 514 तक गया, एंड यू नो इट मेड अ रियली गुड हाई। सो अगर आपको हमारे नॉलेज वीडियोस पावरफुल लग रहे हैं, प्लीज टाइप आउट पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। फिर यहां से यू नो बुलिश जर्नी शुरू हुई, आई वॉज नॉट टेकिंग एनी ट्रेड। देखो यहाँ पे 11 बजे थे, मेरा पहला ट्रेड आया 11:35 को, दिस इज समथिंग दैट यू टू लर्न। चलो इतना गिर गया है, अब बुलिश ट्रेड भी इतना जल्दी नहीं लेते, ऊपर गया कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे जो मेरी यूनिक स्ट्रेटजी है, तीन कैंडल के बीच का गैप, अब यू नो काफी बार कभी कभी मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे हैं, अमित भाई आप किस तरह से गैप निकाल दो, कोई भी तीन कॉन्सिक्यूटिव कैंडल ले लो। जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, एक ये वाली कैंडल, दूसरी ये वाली कैंडल, और तीसरी ये वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो, इसके बीच अगर आप देखो तो यहां पे गैप क्रिएट हुआ था। सो मैंने क्या बोला कि अगर ये गैप फिलअप करके फिर से मुझे अच्छा कैंडल मिलेगा, आई टेक ए बुलिश ट्रेड। जो मुझे यहां पे मिला 11:35 को, देखिए कितना पेशेंस है, कितना वेट है, कितना डिसिप्लिन है। यहां पे मैंने बुलिश ट्रेड लिया, सेफ खेला, 11:350 का पुट सेल किया, 300 का पुट बाय किया, मार्केट ऊपर 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 की तरफ जाता गया, मेड ए गुड मनी। फिर यहां पे यू नो दूसरा एक ट्रेड, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द प्रॉफिट, मैंने यहां पे 148 को एक बेरिश ट्रेड ट्राई किया था, 148 यहां पे, यस यहां पे ये वाला ट्रेड, ओके, क्योंकि यू नो मार्केट वॉज फॉलिंग एंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द प्रॉफिट। एंड मैंने एक और चीज भी देखी थी कि मॉर्निंग में जो हाई बनाया था वो हाई को ये वाले लो ने ब्रेक नहीं किया, मतलब मॉर्निंग में हाई यहां पे बनाया और अभी का हाई यहां पे था और वहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया, मतलब बेरिशनेस तो थी। तो यहां पे मैंने बेरिश ट्रेड लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया तो 300 पॉइंट के लॉस के साथ कट कर दिया, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन में था, सो आई वॉन्टेड टू जस्ट चिलेक्स रिलैक्स एंजॉय। एंड हमेशा मेरा एक रूल है कि मैं प्रॉफिट घर पे लाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, दो ट्रेड हो गए बस बात खत्म, दुकान बंद करो, प्रॉफिट घर पे लेके आ जाओ। सो गाइज दिस इज द यूनिक स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड फॉर यू नो टेकिंग द बुलिश एंट्री। गिर रहा था शांत रहे, ऊपर गया फिर भी शांत रहे, गैप ढूंढा, गैप फिलअप हुआ, ट्रेड लिया, बहुत अच्छा ट्रेड मिला और 18,000 रुपीज देके गया। कैसा लगा वीडियो यार, हम्बल ऑनेस्ट है, सब कुछ खुलेआम बताया जा रहा है, एक कमेंट तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया।